आदर्श, ये क्या किया तुमने? पापा बार बार हमसे ये सवाल क्यों करते हैं? तुम जानते भी हो कि कोमल कहाँ जाती थी? हाँ, हम जानते हैं और इसका मतलब भी जानते हैं। अपने पति को बिना बताए चोरी छुपे किसी गैर मर्द से मिलने का मतलब क्या हो सकता है? कोमल के बारे में घिनौनी बातें करना बंद करो। अरे तुम्हें पता भी है कि कोमल कहाँ जाया करते थे? कोमल पढ़ने लिखने के लिए जाती थी, ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें अपने आप पर शर्म ना आए। वो हर रोज ट्यूशन जाती थी और तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हें वो तोहफा देना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी, और तुमने तुमने उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। पापा, हमें आपकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं है। ये सब बकवास है। आप सब लोग कोमल का सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? और जहां तक उसकी पढ़ने लिखने की बात है, ये सब गलत है। कोमल अनपढ़ थी और अनपढ़ ही रहने वाली है। मेरी मम्मी अनपढ़ नहीं है, उसे पढ़ना लिखना आता है। कमरे में आए थे ना, हम दोनों पोयम पढ़ रहे थे। एक बार भाभी से पूछ तो लिया होता। पूछने जैसा काम किया है भाभी ने आपके लिए, और आपने क्या किया आपने भाभी के साथ? अरे आदर्श, अब सोच क्या रहा है? अरे जाकर कोमल को मना ला, उससे माफी मांग ले और उसे यहाँ लेकर आ। अब ये इतना आसान नहीं है। कृष्णा को सब कुछ पता चल चुका है और वो बहुत गुस्से में है। अरे कोई भी अपनी बहन की ऐसी दुर्दशा देखेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। देख लिया अपने होश खोने का नतीजा तुमने? अरे अब कुछ भी हो सकता है। ये तुमने क्या कर दिया आदर्श? बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। कृष्णा किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। पापा, अब हम क्या करें? गाने पे आप लोगों ने कमाल का डांस किया। कितनी अनोखी जुगलबंदी है तीनों की। बिल्कुल तुम्हारी अनोखी आवाज की तरह वल्लू। और जब तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी ना, हाँ, तो अपनी सहेलियों को भूल मत जाना। हाँ? और क्या पता तुम्हारे सुरों के इस सफर में तुम्हें कोई हम सफर मिल जाए। शर्मा रही है। बातें कुछ अनकही सी, कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आदर्श भाई, आप एक काम करें, आप थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं चले जाएं। वापस तभी आइएगा जब कृष्णा भाई का थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए। आइए। हाँ बेटा, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम तब तक बाहर ही रहो। इससे पहले कि कृष्णा यहाँ आए तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। चाहिए। बाइक लेके जाइए, जल्दी जाइए। बीबी पे हाथ उठा के मर्द बनता है बारह बारह के सामना कर हमसे सलाम। खोल अब सलाम, मर्दान की छुपाई के कहा बैठा अंदर बारह सलाम दमे तो। अब हम क्या करें? आदर्श बेटा, तुम अपने आप को संभालो, चिंता मत करो। हम कृष्णा से जाकर बात करते हैं, हम उसे सारी बात बताएंगे
वो हमारी बात जरूर सुनेगा। तुम यहीं रुको बेटा, हम कृष्णा से बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं पापा नहीं, इस वक्त कृष्णा भाई बहुत गुस्से में, उनके गुस्से को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं हमारे पास। आप एक काम करिए, मेरे साथ पीछे से निकलिए, आइए जल्दी। अबे खोल, खोल साला, खोल। कहाँ है आदर्श? आदर्श, आदर्श कहाँ है? कौन है पोली का है? आदर्श, कृष्णा नमस्ते। कृष्णा बेटा, प्रतिज्ञा बन जाए।